कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए भाकपा माले ने रविवार को कोवार से अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान सदर प्रखंड के प्रमुख पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर सभी पंचायतों में जनता के सवालों पर सभाएं करने तथा सभी बूथों पर कमेटियां बनाते हुए घर से चुनावी संघर्ष को इकट्ठा करने की रणनीति बनाई गई। बैठक की अगुवाई जिला कमेटी सदस्य संजय चौधरी तथा मनोज कुमार यादव ने करते हुए कहा कि कोडरमा में माली ही मजबूत है और हम लोग ही भाजपा को हराएंगे। इधर बैठक में मौजूद पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को जुमलों में फंसाकर ठगने का काम किया है। देश के किसान, मजदूर, युवा सभी इस सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जन सवालों पर असफल मोदी सरकार के पास इस पर कोई जवाब नहीं है। श्री यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने इलाके में टीम बनाकर घर घर से समर्थन जुटाने और चुनावी संघर्ष कोष इकट्ठा करने के निर्णय को लागू करने का आह्वान किया। कहा कि जनता इस बार भाजपा को हराएगी। बैठक में मुख्य रूप से संजय चौधरी, मनोज कुमार यादव, ठाकुर मंडल, तालेश्वर मुर्मू, पंकज वर्मा, कार्तिक वर्मा, रियाज अंसारी, बबलू मुर्मू, जीसू टुटू, दीपक वर्मा, बालेश्वर यादव, सोहन कोल, बंधु कोल, सुरेश ठाकुर, शंकर कोल, बुद्धन यादव सहित अन्य मौजूद थे। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है और इस कोडरमा की धरती से हम लोग जो पूरे देश में नारा चल रहा है भाजपा हटाओ देश बचाओ, इस नारे के तहत हम लोग उसको यहाँ उसको हकीकत में बदलने के लिए पूरे कोडरमा क्षेत्र में हम लोगों की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज इसी क्रम में हम लोगों ने गिरिडीह ग्रामीण जो गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में आता है हम लोगों ने यहाँ तमाम प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक की है और घर घर से सहयोग लेकर घर घर से मोदी सरकार की गलत नीतियों के बारे में व्याख्या करते हुए हम लोग पूरा संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इस बार एकदम मजदूर किसानों ने यह ठान लिया है कि जिस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने झारखंड के युवाओं को बेरोजगारी के रास्ते में धकेलने का काम किया, जिन्होंने लॉकडाउन से लेकर के नोटबंदी में तमाम तरह की मुसीबतें देश की गरीब जनता के ऊपर थोपने का काम किया और जो सरकार कॉरपोरेटों के चंदे से चल रही है और चंदा घोटाला के रूप में भी यह बात अभी सामने आ चुकी है कि ये सरकार मोदी सरकार जिसने अच्छे दिन का नारा दे करके और यहाँ आम लोगों का वोट लिया, युवाओं का वोट लिया, किसान मजदूरों का वोट लिया, लेकिन इन्होंने सरकार बना करके जिसके पैसे से सरकार बनाया और उसी कॉरपोरेट को ये लोग रात दिन फायदा पहुंचा रहे हैं। हजारों हजार करोड़ लाखों करोड़ ये लोग कॉरपोरेटों को छूट दे चुके हैं, उनका कर्जा माफ करवा चुके हैं और दूसरी ओर जनता यहाँ अपने ही समस्याओं से त्रस्त है। इसलिए तमाम लोग इस बार एकजुट हैं और इस कोडरमा की धरती पर इस बार लाल झंडा लहराएगा और यहाँ संघर्ष की आवाज लोकसभा में पहुंचेगी और हम लोग यहाँ भाजपा को परास्त करेंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ कोवाड़ में आज की बैठक सम्पन्न हुई है। बैठक में शामिल तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग कोवाड़ के हटिया मैदान में एक भाकपा माले की बैठक हुई है जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक हुआ है। उसमें अगुआ साथियों ने निर्णय लिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कोडरमा से लाल झंडा को लाना है। गांडे विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण गिरिडीह का एक बैठक हुआ जिसमें सब समिति से कमेटी का गठन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि आने वाले दिन में जो है हर बूथ पर हम लोग जो है 3 से 4 दिनों के अंदर बूथ कमेटी का निर्माण करेंगे और कोष संग्रह का भी काम शुरू करेंगे।